आगे देखते हैं और एक बार। तो ये साधना के तीन अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये देखिए इसमें कथन कभी उचित नहीं है, तो स्वयं जब राम लक्ष्मण के राम ही थे, गीतावली की भाषा है, ब्रज भाषा। मई की हंसी की को रही मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, कबीर वाला क्वेश्चन है। भारतीय वेदांत और सूक्ष्म का प्रेम तत्व, शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, पद्मावत की रचना शैली, ये पार्थिव मसनवी, जैसी कि नहीं मृगावती, पौरुषता जाति वाला शुक्ल जी का, चंदन तुम हम पानी दास का, ये आपका बल्भाचार्य का, स्वामी रामानंद जी ने नारक रचना नहीं बतानी है, सिद्धांत पंचमात्र, कितने खंड हैं सात, सीता त्रिटा संवाद है बहुत सुंदर कांड में, गोलोक जगाए जोग, भक्ति जगाए लोग तुलसीदास, दादर का जन्म अहमदाबाद, कितने टाइम लगा मानस को लिखने में, 2 वर्ष 7 महीने, दशरथ सुतुल्य राम नाम का मर्द आना, कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे नाम राम नाम का मर्म कुछ और है, राजपंचाध्याय, नंददास, प्रेम और श्रृंगार ऐसा वर्णन है, उल्ल शुक्ल जी का है, गोस्वामी जी के बारे में, मीराबाई के बारे में जो है अंदाल, जिस प्रकार मीराबाई ने मीरा अंदाल वाला है, श्रृंगार काल का है, विश्वास प्रसाद मिश्र ने, वीरस कविता के लिए जाने जाते हैं, वह भूषण हिंदी साहित्य का जो स्वर्णयुग भक्ति काल है बताइए, रीतिकाल वाला हो गया किसे कहते हैं, तो जिसका इतना विशेष पद्धति अथवा नियमों के दृष्टि रखकर की गई है, बच्ची वक्रता गोपियों वाली है, भ्रमर गीत भाषा जीता है जसवंत सिंह, वल्लभाचार्य वाला है, ये योग्य भक्ति और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, अच्छा में शामिल नहीं था तो नाभादास, बरवे नायिका भगत लिखा रहीम ने, रसिक प्रिय रचनाकार हैं केशवदास, काव्य निर्णय भिखारीदास। तो ये है अलंकार नायिका भेद साहित्य लहरी सूरदास का ग्रंथ है, बल्भाचार्य का दास ने कुछ शुद्धाद्वैत, सत्सैया के दोहरे बिहारी का है, आचार्य को भी दोनों रूप माने जाते हैं, देव जो मातुमते मोह हो तो जननी जगहु मुख कालीवाध हो, तो ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, देख लें भाषा। हृदयकाल काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगारता, अति सुदोषन का मारक हो जहने को सहारा बाक नहीं सवैया है, यहाँ आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, प्रतापना सॉरी बाल बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु का नहीं है नहुस, हिंदी का व्याकरण की शुद्धता भाषा फाइव प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रहिए छटपट काट दिन भरु घाम में सोए, ये कुंडलियाँ छंद जो है इसका, ईश्वर मर गया ये कहा था निश्चय ने, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800, रातन के अति गान इंसाला खा, नासिक के तो उपाख्यान है मुंशी सॉरी सदल मिश्र का, परीक्षा गिर लाला श्रीनिवास दास, शकुंतला नाटक जो है वो राजला शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का, सुचंदर साहित्य विशेषता नहीं बताना है, तो ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त, रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है, तो चौथा है प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी लेखन विशेषता है, निजी भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद, निजी भाषा उन्नति है का भारतेंदु हरिश्चंद, हिंदी का पहला पत्र कौन सा वंदन मार्तन, भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, लक्ष्मी यारी लिखने में माने जाते देवकेंद्र खत्री, हिंदी नई चाल में 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र, वचन सुधा संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, करम धर्म मुर्सी मोहिन जो एक इसका चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रतिका निम्न प्रगतिवाद में निम्न वर्ण जो दिया गया वो मधुरेश समाज का चित्रण है,
लाजवेदर समाधि पत्र नहीं बताना, वो इंदु। इसका है आपका साकेत, प्रबंध काव्य, उर्मिला काव्य पर जितना रह जाए, प्रगतिवाद का प्रारंभ प्रारंभ माना जाता है 36 से 1936। इसमें हो जाएगा कि धारा कब काव्य होता है, अध्यात्म तो छायावाद, कभी प्रवृत्ति नहीं बताता तो क्षणवाद में प्रति नकारात्मकता, शंभु का चिट्ठा है बालमुकुंद गुप्त, प्रगतिवाद साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ के अव्यक्त उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, गुनाहों का देवता भारती जी का, भारती का उसने कहा था 15 मई 1915, पाप और पुण्य कवि मानसा लिखा गया अपने चित्रलेखा, तारसप्त के कवि नहीं है तो त्रिपाठी निराला, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सिंदूर की होली लक्ष्मण मिश्र का, भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है तो ब्रह्म राक्षस, आनंद की प्रतिष्ठा ऊपर आभास तो किया कमाई में, नवगीत प्रतिष्ठापक के रूप में मारे जाते हैं तो शंभुनाथ सिंह, नवगीत के प्रतिष्ठापक हैं शंभुनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद की नहीं है वह इंदुमती, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने कौन सा कारण में से सही नहीं है, वह समाज सापेक्षता, संसद समक्त संसद सुधामा पांडे वो मिल गई है, वाक्य कितने भी रचना में 3 है, मूर का पर्यायवाची नहीं बताना है तो मेदिनी, शब्दार्थों से तो काव्यम गद्यम पदम से ये किसका है तो ये भामा का है, अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों से क्या है, यह आपका अनावृष्टि, विभावानुभावचारी यह है इसका स्वभाव, भाषा दृश्य श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं तो इसमें कौन सा अंतर, महाकाव्य काव्य संस्कृत व्यवहार विद्या सिद्धक्षत्य का है, ये मम्मट किसके लिए गया तो काव्य प्रयोजन के लिए है, संकल्प में कौन सी संधि है तो यह है आपकी व्यंजन संधि, संकल्प में हो गया आपकी व्यंजन संधि, कृदंत तद्धित किसके भेद है तो यह है कृदंत तद्धित प्रत्यय के, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है तो यह है गुणवाचक, पुरुषवाचक स्वरनाम मैं का संबंध रूप लिंग से क्या होगा तो होगा मैं का मेरा, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, धनी क्या है यहाँ पे उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पे प्रार्थना की मुखता और ज्ञान दशा कहलाती है, ये शुक्ल जी का कथन है, पंकज शब्द में किस भेद के अंतर्गत आता है तो ये आपका योगरूढ़, यहाँ बैठा नहीं जाता में क्या है आपका है भाववाच्य, कौन सा विकल्प शब्द नहीं है तो वह है न, अविकारी शब्द का भेद नहीं है तो वह विशेषण, संज्ञा हिंदी संज्ञाओं के विशेषण से कौन सा कथन सही है, जो संज्ञा लेखन में अकारांत उनका क्षण व्यंजनांत ही होता है, प्रयोग अनुसार शब्द कितने भेद हैं तो वह है 8, निपसर्ग लगा है नहीं लगा है निबंध में, रस के 3 पक्ष होते हैं इसमें कौन सा गलत बताना है, प्रपानक, छंदों को पढ़ते समय कई श्लोक विराम लेना पड़ता है तो उसके क्या है यति, को निरूप हो हम ही कहानी यह है मन मन मारा पंक्ति मंथरा, उत्पत्ति बाद भटलोलट, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यह धनिया कथन, ऐसो लोग तो बृहस्पति नहीं समझा सकते, ये बताना कौन सी सब सकते तो लक्षणा, काहे को रोकत तो मारक सूदो, बताना राजबंध का प्रयोग किसके लिए किया गया तो भक्ति, भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं कौन सा इसमें जो है वो नहीं माना तो अद्भुत रस, कौन सा प्रजनंद का नहीं है वह शेखर जीवनी, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम और राम के क्रोध का आलंबन विवाह होगा यहाँ पे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष का तोरा, ये वाला जो है इसका इसमें क्या है बताना कौन सा रस है तो रौद्र रस है, हमिद प्रेमचंद किस पात्र है तो ईदगाह का हमिद है, कौन सा अर्थालंकार है तो है रूपक, दुखी जीवन की कथा रही यह है सरोज स्मृति का लाइन, सरोज स्मृति की वाणिज्य छंद नहीं है बताना है तो वाणिज्य छंद नहीं है कुंडलियां, अरविंद का प्रभाव देखने को मिला वो था स्वर्ण किरण में पद पे, कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सुनी खत लखन सुन राम हृदय गुनी, एक गुण बताना कौन था तो उसमें माधुर्य गुण देख ले ध्यान से, प्रेमचंद की बताना है उत्तराधि विमर्श में वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत लिखा गया तो थी आपकी बूढ़ी काकी, अगर मैं तुमको ललाती साज के नब की कली तारीख कहूँ तो कलगी बाजरे की,
रघुवीर साहब की नहीं बताना है कितनी शांति कितनी शांति, स्कूल का संग्रह नहीं है बताना, निबंध संग्रह वह है, सॉरी निबंध संग्रह कौन सा है बताना, चिंतामणि, समाचार का आवश्यक तत्व तो नहीं है वह मनोरंजकता, प्रोत पचासा क्या है पद्माकर का भट्ट का, प्रीप्रास अध्याय सिंह उपाध्याय हरिवध का, किधी जिमी जम पर बाणम सोम पर, यह है भूषण की, मात्र लेखन का एक भाग नहीं है वह ध्वनि, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी 343, इसे श्रद्धा भक्ति कोणा ये आचार्य शुक्ल, रासों की भाषा है पिंगल, संचार क्रिया के तीन प्रमुख तत्व वक्ता श्रोता और संदेश, पितृपरित का पत्रकारिता क्या है, व्यक्ति परक चरित्र तथा सनसनी घटनाओं को मध्य वाली पत्रकारिता, और आपका विज्ञापन का प्रमुख कार्य है नकली वस्तुओं का प्रचलन नहीं है, सॉरी नहीं बताना है नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई काव्य बन जाए तो ये महेश्वर गुप्त, कौन सा विभाग पत्र समाचार पत्र से संबंधित नहीं है वह है विदेशी विभाग, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है तो निर्मल वर्मा, कौन सा ग्रंथ जायसी का नहीं है वह है चंदायन, मृगावती का रचनाकार कौन है वह है मौलाना दाऊद, सॉरी मृगावती के रचनाकार हैं वह है कुतुबन, पुस्तक जलण हत्य चली गज्जन ये है आपका पृथ्वीराज रासो का, कार्य सूची के अंदर निम्न सब क्या नहीं शामिल किया जाता तो बैठक में विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, जैसे क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है वह है यूनेस्को, किस रचना को प्रथम एकांकी उन्हें गौरव प्राप्त है वह है घूंट, शेखर जोशी ने किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश जो है हजार प्यार द्वारी समाज के तो पेड़ की याद, तमस उपन्यास का प्रमुख समस्या है सांप्रदायिक मनुष्य, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है राहुल संकृत्याय, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, आप इन्हें देख लें और शायद इसमें अभी भी कुछ चेंज हो सकते हैं, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।